मैंने पता सी नैन तू तलाक दे कागजा ते कदी भी साइन नहीं करेंगी क्योंकि मैंने यकीन सी तू कदी भी किसे नु भी कोई दिता होया वादा कदी नहीं तोड़ेंगी। बटे मालिक मालिक ने मैनु बहुत मजबूर किया कि मैं ना तलाक दे कागजा ते साइन करना पर मैं नहीं कीते। एक ही ड्रामे बाजी है नैन तू अंगूठा क्यों नहीं लाया। मैनु पता है तू जो भी कीता है सब दे हित विच कीता है। मैं कदी नहीं सोचिया सी कि मेरे दिवांश दी जिंदगी च ऐसी कुड़ी आएगी जेड़ी अपनी जान तो ज्यादा दिवांश दी जान दी फिक्र करेगी। हुण मैनु यकीन हो गया कि मेरे दिवांश दी जो रक्षा कर सकती है वो सिर्फ तू है क्योंकि दुनिया दी कोई भी ताकत अगर मेरे दिवांश दे या मेरे परिवार दे खिलाफ जाएगी तो ओदे अग्गे दीवार बन के तू आप खड़ी हो जाएगी। कर जी मैं तो अपना दित्ता वादा पूरा किता। मैं माफ कर दे नैन मैं तेनू दित्ता हुआ वादा पूरा नहीं कर सके। ओ दिवांश मालिक थानू कोई भी चीज मेनू इतना समझाने दी या दसन दी कोई जरूरत मेनू पता है तुसी अपने वालों पूरा जोर लाया होना है जिथे तक तुहाडी वाह चलती होनी है ना तुसी पूरी लाई होनी है पर समा ते स्थितियां तुहाडे अनुसार नहीं होनगियां। मैं सब समझती हूँ इसलिए तुसी कुछ ना बोलो। मेरी माता नैना देवी जी अपने आप हुण कोई हल कढ के देंगे। मेरे कुछ सवालों दे जवाब दो। सवाल केड़े सवाल? आपे पता लग जुगा। मेरा पहला सवाल जदों तू बेहोश हुई सी उस तो बाद जदों तेनू होश आया तू झूमर नू लेके की गल कर रही सी? नहीं 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 हजे कोई लोड़ नहीं है जवाब देन दी। पहला मेनू सारी लिस्ट पूरी कर लैन दो। हुन मेरा दूजा सवाल मैं अपने कन्ना नाल सुने मम्मी जी वकील साहब नाल गल कर रहे सी ओ कह रहे सी कि तुहाडी कुड़ी राजी ता हो जाएगी ना एथे उनो वकील साहब दी कुड़ी नू किस गल लई राजी करवा रहे हैं। की वकील दी थी? हाँ हाँ पर हजे रुक जाओ मेरी लिस्ट पूरी हो लैन दो। मेरा तीजा ते सब तो इम्पोर्टेंट सवाल आज दी पार्टी किस खुशी विच कीती जा रही है मतलब ओकेजन ते थीम की है? मैं किस तरह दा मेकअप किस तरह दी लुक्स रखांगी क्योंकि मैं ओवर ड्रेस्ड होके पार्टी विच सब दी गल्लां दा मजाक नहीं बनना चाहती ते अंडर ड्रेस होना मैनू जचदा ही नहीं है। दिवांश दा रिश्ता वकील दी धी नाल तां नहीं करन दी सोच रही? नहीं नहीं मैनू राजवीर ना हुणे इस बारे गल करनी पएगी। तुसी दोवें चुपचाप क्यों खड़े हो मेरे सवालां दे जवाब ते दो ना। दाची दाची मेरी गल तां सुनो। ओहो नयन हुण तू ही मेरे सवालां दे जवाब दे। कुछ सवाल अजिहे हुंदे ने ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਸ ਮਾਤਾ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਨਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? आए हाय जट्टी एक माल लग जानी है आए हाय जट्टी एक माल लग जानी है आए हाय जट्टी एक माल लग जानी है। नयन आई लव यू नयन पुत्र जी आज तू मेरा दिल खुश कर देता। मैनू तो इदा लग्या सी कि इस घर दे लोका ने तेरा भी मेरे वर्गा हाल करता। इस घर की नूह होके भी कोई इज्जत नहीं पर जदों दा मैनू ए पता लग गया ना कि तू डाइवोर्स पेपर ते साइन नहीं किता
ओदो दा मेरी खुशी दा कोई ठिकाना ही नहीं। तू मेरी गल सुन भी रही है? जो मैं उदा ही बोली जा रही हूं। ओ मैं तेरे नाल गल कर रही हूं। तो तू गिटार ते नजरां गड़ाई फिर दी है। ए गिटार कहते की कर रहे? ए गिटार है जिन्हों इस घर च सिर्फ दिवांश नु बजाना आंदा है। ता इदा मतलब की होया बोल। इदा मतलब मालिक है गिटार? हाँ आज दी पार्टी च दिवांश पक्का है गिटार बजाने वाला है। नहीं ये नहीं हो सकता। मालिक इस मंच तक गिटार बजाउन गए? वो भी स्टूमर के नीचे? नहीं दिवांश जी जान पर दिवांश जी का गिटार आज क्यों बजाना है? वो भी इसी मंच पे। ओहो नयन तू कितनी बोली है। दिवांश ता इस पार्टी दी रौनक है। ओ लोमड़ी यानी रीटा पर जाई जी उन्हें पार्टी इस करके रखी है ताकि पार्टी च आन वालिया कुड़िया विचो दिवांश किसे एक नू अपनी वोटी बना ले। तू डाइवोर्स पेपर ते साइन करन ते तो रोक ले पर हुन एदा की तोड़ कटेंगी। सब कुछ तेरे लिए ता है। आज दी पार्टी च तू अपने लिए कुड़ी लभनी है। आज दी पार्टी च मेरा पुत्र चन वांग चमकेगा। सारियां कुड़ियां तारे बन के ओदे आले दुआले मडरानगियां पर जेड़ी मेरे पुत्र दे दिल ते राज करेगी ओ ता कोई एक ही होएगी। वैसे ता तू शुरू तो ही हैंडसम है पर आज दी पार्टी च तू सुपर हैंडसम लगना है। आवे हाँ तेरे ते बहुत जचेगा। हुण मेरी जिंदगी दा बस एक ही मकसद है थोड़े कोल रह के थोड़ी रक्षा करना थोड़ी परछाई बन के थोड़े नाल रहना। दिवांश पुत्र मैं दीवारा नाल नहीं तेरे नाल गल कर रही हूं। दिवांश कित्थे गवाचिया होया रांझे जोगी वांगू। मम्मा तानू पता ता है तुसी जो पसंद करोगे मैं ओदे लई हां कर देनी है फिर मेनू पुछण दा की फायदा। नाले वैसे भी तुसी जानते हो मैं तानू कदे भी किसी चीज लई ना नहीं कीती। जो तुहाडी पसंद ओही मेरी पसंद। सच्ची? हाँ मम्मा सच्ची। ताई मैं कह रहा इस पार्टी दी कोई लोड़ नहीं प्लीज मेनू पार्टी जान लई ना कहो। इस पार्टी तो इलावा तुसी मेनू जो कहोगे मेनू मंजूर है। पुत्तर सारी फैमिली नाल फ्रेंड्स नाल बैठ के एंजॉय करेगा तो तेनू भी चंगा लगेगा। नाले सोशल गैदरिंग्स हुंदियां किस लई ने जिंदगी जीण दा मौका बार बार नहीं मिलदा। नहीं मम्मा मेरा बिल्कुल मन नहीं है। कुछ गल्लां दूजियां दी खुशी लई भी। नहीं मम्मा मैं इस पार्टी च नहीं आवांगा मतलब नहीं आवांगा एंड दैट्स फाइनल प्लीज डोंट फोर्स मी। कुछ नहीं राजवीर इत्थे सब कुछ गड़बड़ हो गई है। एक पासे रीटा ने वकील दी धी दे नाल रिश्ते दी गल शुरू कीती हुई है ते दूजे पासे दिवांश वास्ते जशन रखा होया है। दार जी ए बिल्कुल नहीं होना चाहिदा। तुहानू किसी भी कीमत ते रुकना पड़ेगा। जब तक मैं कोई ऐसी कुड़ी नहीं लभ लैंदा जिहड़ी दिवांश नाल व्याह दा नाटक करन लई तैयार हो जाए रीटा दा कोई भी तीर निशाने ते नहीं लगना चाहिदा। ओ जो भी काम करना है जरा जल्दी कर साडे को ज्यादा टाइम नहीं हैगा। दार जी मैं लभ लभ के थक चुका हूं कोई भी कुड़ी इस काम लई तैयार नहीं हो रही। राजवीर उन्हां नूं मोटी रकम दे लालच दे नाले उन्हां नूं विश्वास दिलाना पेगा कि इस दौरान वो बिल्कुल सुरक्षित रहणगियां उन्हां नाल कुछ भी गलत नहीं होएगा। मैनूं यकीन है भरोसा देन ते इन्हां सारियां च कोई ना कोई जरूर मान जाएगी। मैं समझा समझा के थक चुका इत्थों तक कि उन्हां नूं मैं मुंह मंगिया पैसा भी ऑफर कीता है पर अजे तक
कोई भी कुड़ी इस कमले तैयार नहीं हुई। इस रेस सड़ तो रीटा बहुत अगे है राजवीर, जे अगे भी इस तरह चलता रहा तो साड़ी हार पक्की आ। तू अपनी कोशिश तेज कर, मैं इत्थे दा ध्यान रख रहा ना। ये तो हम बहुत वड्डी मुसीबत हो गई है, हुण मैं की करा। क्यों नयन, हुण लग्या ना झटका? जरा सोच, पार्टी च आईया कुड़िया चो जे दिवांश नू अपने ले कोई एक कुड़ी पसंद आ गई ते फिर तू की करेंगी? मेरी भोली ते प्यारी नयन, हजे भी तेरे कोल टाइम है, दिवांश नू अपना बना ले, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैं दिवांश जी नू बचाने की कोशिश करके इत्थे आई हूं, यही तो मकसद है मेरा। किन्नू बचान दी, किन्नू बचान दी कोशिश कर रही है? ते किदे तो, किदे दिवांश ते फिर तो कोई खतरा था नहीं? वाह नयन वाह, की मास्टर स्ट्रोक मार रहा है तू। मैनू तो पहलो ही पता सी कि तू तलाक दे कागजां दे उत्ते इन्नी आसानी नाल साइन करन वाली नहीं। खेड़ गई ना अपना दा नयन। वैसे एक गल मननी पड़ेगी, शातर तो तू बहुत है पर अपना शातरपुणा अज दी पार्टी च ना दिखाई, क्योंकि तू अज दी पार्टी च इनवाइटेड नहीं। ते जे जोर जबरदस्ती करके ड्रामे करके इस पार्टी च आन दी कोशिश ना करी तू, क्योंकि आई होप तेनू सब साफ साफ शब्दां च समझ आ गया होए। आटा गुनिया गोली ते चार बैठी ममोली, व्याह के ता तेरी भैन इस घर चाई सी ते प्रधान तू बनी फिरदा है, ना तू कौन हुन्ना है ए फैसला लैन वाला के इस घर दी पार्टी च कौन आएगा ते कौन नहीं? मैं इस पार्टी दी ऑर्गेनाइजर दा भरा, मेनू दीदी जी ने ए पूरा हक दिता है कि मैं आज दी पार्टी दी गेस्ट लिस्ट बनावा, ते मैं फैसला कीता है कि आज दी पार्टी दे विच ए नौकरानी शामिल नहीं होएगी। ते जे तानू भी मेरे फैसले तो कोई दिक्कत है ना, ता तुसी भी अपने कमरे च बैह के कल्ले पी सकते, क्योंकि तानू भी कमरे च बैह के कल्ले पीन दी आदत है ना के नहीं? पॉम्पी, अपनी हाथ विच रह के गल कर, मैं इस घर दी नूह आ, होर तू अपनी भैन दे दाज विच आई हुई जवानी। मैनू तो इस पार्टी का ही सब बनना ही पड़ेगा ना, आए हुए मेहमाना दी सेवा मेहमान नवाजी मैं ही करांगी ना। ओ महारानी जी, मतलब नौकरानी जी, तुसी एडना सोचा यही बहुत वड्डी गल है, पर तुसी कृपा करके उत्थे नहा ना ता ही चंगा होएगा, क्योंकि मैं दीदी जी ना गल कर ली है, तुहाडी अज छुट्टी है, अज शाम दी पार्टी दा माहौल बहुत चंगा होण वाला है, ते दीदी जी दे सोशल नेटवर्क दे सारे लोग आन वाले ने, उदे सामने दिवांश ने गाना गाना है, ते तेनू लगदा है कि तेरी शक्ल वेख के उत्थे कोई अपना मूड खराब करना चाहेगा? ते वैसे भी इस घर दे विच नौकरां दा कोई स्टैंडर्ड है, ते तू
उस स्टैंडर्ड नू कदी भी मैच नहीं कर सकती। इस करके तू इस पार्टी विच आन दा सोची भी ना। पॉम्पी, ऐ की बकवास कर रहे हैं। छोटी मलकिन, तुसी शांत हो जो। नैन ने पहला भी देवांश की बहुत बार जान बचाई है, ते मैं नहीं चाहता कि ये नयन इस पार्टी जाए, वरना मेरा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। पुत्तर, मेरी गल तो सुन, आज दी पार्टी। मम्मा, फिर पार्टी? मैं तानू किन्नी बार कहवा मैं पार्टी च नहीं आवांगा, फिर क्यों बार बार जिद कर रहे हो? जे तुसी हुण दोबारा मेनू पार्टी जाण लई फोर्स कीता ना, मैं सच्ची कह रहा मैं हुणे उठ के घरों बाहर चले जावांगा। पर पुत्तर, मैं तो ओ पांजिया ओहो ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ? ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ ਤੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੋਸਟ ਐਲੀਜੀਬਲ ਬੈਚਲਰ, ਤੇ ਖੁਰਾਨਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਵਨ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਹੀਰੋ। ਭਾਂਜਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਅੱਜ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾਣਾ ਗਾਏਗਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੇਵਰੇਟ ਗਿਟਾਰ ਵਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਮਪ੍ਰੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਚ ਕੋਈ ਨਾਚ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪੋਪੀ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਚ ਅਸੀਂ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਲਈ ਕੁੜੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ, ਨੱਚ ਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਿਨਾ ਪਾਰਟੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗਾਣਾ ਗਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਵਾਲਾ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਗਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ। ਇਹ ਗਿਟਾਰ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਦੀਦੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਕਰਾਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦੇਣਗੇ। ਓਹੋ ਦੀਦੀ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਦੇਖੋ ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੋ ਨਾ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਸਟੇਜ ਸੈਟਅਪ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗਿਟਾਰ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਹੈ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਲਵਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਤੇ ਟਿਕੀ ਰਵੇ। ਭਾੜ ਚ ਗਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਸਭ ਕੁਛ? ਤੇਰੀ ਗਿਟਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਪੀਪਣੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਬੇਫਕੂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦਾ। ਦੀਦੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਦੀਦੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਦੀਦੀ। ਪੰਪੀ ਮਾਪਾ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਆਖਿਰ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਵਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੈ? ਝੂਮਰ ਠੀਕ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬੈਠ ਕੇ ਗਿਟਾਰ ਵਜਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਮਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ? ਠੀਕ ਇਸ ਝੂਮਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗਿਟਾਰ ਵਜਾਉਣਗੇ, ਜੇ ਝੂਮਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਿਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਭ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼? ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ? ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ? ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਰ ਵਾਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਮਾਮਾ ਜੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਚ? ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਜੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੀ ਸੀ। ਕਿ ਮਾਮਾ ਜੀ ਪੱਕੇ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਾਂ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਇਸ ਝੂਮਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਮਕਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਿਆਂਗੇ।